हेलो गाइस, इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मैच नॉर्थ मैसिडोनिया वर्सेस जर्मनी के बीच में होने वाला है। मैच स्टार्ट होगा 12:15 AM पर, कंफर्म लाइनअप्स आ जाएगा 11:15 PM पर। तो कंफर्म लाइनअप्स और आफ्टर लाइनअप फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आफ्टर लाइनअप फाइनल टीम और जो भी फर्दर अपडेट्स न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आएगा टेलीग्राम चैनल पर ही आएगा। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स इवेंट पिन कमेंट, मतलब पहला कमेंट चेक करोगे वीडियो की, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसी लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर ही आपको फर्दर अपडेट्स न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और आफ्टर लाइनअप फाइनल टीम मिलेगा। ऑलरेडी 21,000 प्लस समथिंग सब्सक्राइबर ज्वाइन हो चुका है, अब भी ज्वाइन करो, फ्री में बेनिफिट्स उठाओ। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पर ही आपको फर्दर अपडेट्स न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और आफ्टर लाइन ऑफ फाइनल टीम मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट, मतलब पहला कमेंट पे मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो फर्दर अपडेट्स न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और फाइनल टीम के लिए। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ की। सो न्यूज़ स्टार्ट करते हैं रिसेंट फॉर्म हेडटूहेड रिकॉर्ड से। नॉर्थ मैसिडोनिया लास्ट 5 मैच में एक ही मैच में लॉस किए वो नीदरलैंड्स के अगेंस्ट, और तीनों मैच लगातार ड्रॉ किया था और लास्ट मैच विन किए थे 4-0 से। तो नॉर्थ मैसिडोनिया का रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा चल रही है, लेकिन सामने वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट टीम है जर्मनी, उनके अगेंस्ट है। लेकिन लास्ट जो हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो नॉर्थ मैसिडोनिया ने 2-1 से विन किया था। तो बॉस डेफिनेटली इस मैच में जर्मनी अपने फुल पावर दिखाएगा और मतलब पूरा एकदम सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स को स्टार्ट कराएगा और पूरे जीतने की कोशिश करेगा। अवे मैच है जर्मनी का, तो थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं रेट करूंगा जर्मनी को इस मैच में। लास्ट 5 मैच में जर्मनी 4 मैच में विन किए है और एक मैच में लॉस किया था, वो इंग्लैंड के अगेंस्ट। सो मेरी अकॉर्डिंग ऑब्वियसली जर्मनी फेवरेट है, ऑन द पेपर पर भी जर्मनी फेवरेट है, और मुझे लगता है जर्मनी डोमिनेट भी कर सकती है इस मैच में, आपको इजीली जीतते हुए दिख सकते हैं। अगर आप क्लीन शीट प्रेफर कर रहे हो ऑब्वियसली जर्मनी का क्लीन शीट ले सकते हो, लेकिन जर्मनी का एक ऐसे टीम है 11 के 11 प्लेयर अच्छे है। सिर्फ गोलकीपर आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन जो 10 प्लेयर है उनमें से 7 प्लेयर पिक करना है और वो थोड़ा डिफिकल्टी आपके लिए बन सकती है। अब बात कर लेते हैं इंजरी डाउटफुल प्लेयर्स की न्यूज़ की। तो कोई भी अभी तक मेरे को न्यूज़ मिले हैं अबाउट इंजरी, अगर कोई भी न्यूज़ मेरे को मिलते हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट पे चेक करो, मिल जाएगा। वहाँ पर जो भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब पॉसिबल लाइनअप्स देखते हैं। तो पॉसिबल लाइनअप्स के स्टार्ट करते हैं नॉर्थ मैसिडोनिया जो होम टीम है। गोलकीपर्स में आपको स्टोल डिमिटोविस्की खेलते हुए दिखेगा, डिफेंस में स्टेफेन रिस्टोविस्की, डार्को व्लेस्कोविस्की, कीरे रिस्टोविस्की, एल्जेन ओलोस्की। मिडफील्डर्स में आपको स्टेफेन सिपुरस्की, डार्को चर्लिनॉप, यहाँ पे तिमूर कोस्टिनडॉप, यहाँ पे एलमास और यहाँ पे तर्जकोस्कोभोस्की, और ऊपर आपको खेलते हुए दिख जाएगा रिस्टकोभोस्की। तो टीम के अगर मैं जो इम्पैक्टफुल प्लेयर्स की बात करूँ वो ऑब्वियसली ओलोस्की है, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग खेलते हैं, टैलेंट पोटेंशियल सब कुछ है, पेनाल्टी भी टेक करते हैं, साथ में फ्री किक कॉर्नर भी ज़्यादातर ओलोस्की टेक करते हैं, थोड़ा बहुत एलमास भी लेते हैं, तो बेस्ट प्लेयर है। डिफेंस में आपको मिलेगा ओलोस्की, इनको आप ड्रॉप नहीं करना है। अगर नॉर्थ मैसिडोनिया को आप प्रेफरेंस दे रहे हो, अगर आपको लगता है बाई चांस नॉर्थ मैसिडोनिया विन करते हैं गोल करते हैं, तो ओलोस्की को आप डेफिनेटली कैप्टेंसी ट्राई करना। सो आप बात कर लेते हैं कुछ इम्पैक्टफुल प्लेयर की जो इम्पैक्ट डाल सकती है इस मैच में। ऑब्वियसली ओलोस्की, डिमिटोविस्की जो गोलकीपर में आपको दिखेगा, तो ये दो प्लेयर मास्टर पीक है। और दो प्लेयर लेना है, देखो एक प्लेयर मैं सजेस्ट करूंगा एलमास, क्योंकि ये अच्छा प्लेयर है टैकल इंटरसेप्शन लेके, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत फ्री किक कर देगा, तो की पासेस दे सकते हैं। और एक डिफेंडर्स मैं सजेस्ट करूंगा एक रिस्टोविस्की, जिनका पास हेडर में स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, टैकलिंग इंटरसेप्शन भी अच्छा कर लेते हैं। अगर आपको अटैकिंगली चाहते हो तो रिजोविस्की और रिस्टोविस्की में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। तीन में से ज़्यादा प्लेयर ट्राई करने की कोशिश करना, आपको बेटर परफॉर्मेंस पुटअप करते हुए दिख जाएगा। अब बात कर लेते हैं जर्मनी टीम की। सो गोलकीपिंग आपको करते हुए दिख जाएगा मार्क आंद्रे टार स्टेगन, जो बार्सिलोना की तरफ से गोलकीपिंग करते हैं और जबरदस्त गोलकीपर है। डिफेंडर्स में आपको जोनास हॉपमैन, निकोलस सुल, एंटोनी रोडिगर, थाइलो केरार। मिडफील्डर्स में आपको लियोन गोटेच्का, जोशुआ किमिक, ऊपर आपको खेलते हुए दिख जाएगा सर्गे गनावेरी, थॉमस मुलर, लॉरी सेन, काई हवर्टेस।
इस टीम की तरफ से पेनाल्टी टेक करते हैं गोनाबेरी मुलर में से कोई एक पेनाल्टी टेक करेगा, यही दो में से मेनली पेनाल्टी टेक करते हैं। फ्री की कॉर्नर आपको टेक करते हुए दिख जाएगा जोशुआ किमिक और लोरी सेन। सो इस टीम की तरफ से मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ गोलकीपर को छोड़ के सारे प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन कुछ प्लेयर है जो अभी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दे पा रहे। सबसे पहला काई हवर्टेस, देखो ऊपर खेल रहे गोल करने का हाई चांस रहते हैं, लेकिन 60 मिनट या 70 मिनट के बाद ये सब्स्टिट्यूट होते हैं तो गोल नहीं कर पाते हैं, तो बहुत कम पॉइंट ये दे जाएगा। तो रिक्स लेना है काई हवर्टेस के ऊपर ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक ऐसे प्लेयर जो रिक्स ले सकते हो इनके ऊपर, ठीक है। अगर आपको लगता है गोल करेगा तो डेफिनेटली इनको पिक करो, इवन कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी दे सकते हो। अगर आपको लगता है ये गोल नहीं कर सकते इस मैच में तो इनको डायरेक्टली ड्रॉप करो, ये चीज़ माइंड में रखना। देखो क्लीन शीट का हाई चांस है तो चारों ही डिफेंडर्स को मैं इंपॉर्टेंस दूंगा। अगर डिफेंस में कोई भी प्लेयर को आपको छोड़ना है, आइदर केहरार आइदर हॉपमैन, हॉपमैन का भी रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये बंदा गोल करने वाला प्लेयर है, गोल कर सकते हैं, तो ये चीज़ सब थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो ये दो डिफेंडर्स ड्रॉप अप कर सकते हो, लेकिन रूडीगर निकोला सूल का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, गोल भी कर रहे हैं, टैकल इंटरसेप्शन भी बहुत अच्छा करते हैं, तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा ये दो डिफेंडर्स। साथ में लियोन गोटेच का, जोशुआ किमिक, सार्गे गनावेरी, थॉमस मुलर, लॉरी सेन, ये बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है जर्मनी टीम के लिए, ठीक है। अब मास्टर पिक की बात करूँ जो आपको लेना ही है टीम में, एक तो जोशुआ किमिक आपको नहीं छोड़ना है, थॉमस मुलर नहीं छोड़ना है, सार्गे गनावेरी नहीं छोड़ना है, ये तीन प्लेयर आपको रखना ही रखना है। एक और प्लेयर मैं जोनास हॉफमैन को बहुत ज़्यादा रेट करता हूँ, लेकिन रिसेंटली इनका परफॉर्मेंस थोड़ा ड्रॉप हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इनको इंपॉर्टेंट मानता हूँ। तो ये चार प्लेयर आपको लेना ही है, और तीन प्लेयर लियोन गोटेच का, बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर है, और देखो इनका जो लॉन्ग रेंजर शॉट है ना बहुत अच्छा है, और गोल असिस्ट तो ये कर ही देते हैं, इवन टैकलिंग इंटरसेप्शन भी अच्छा पॉइंट दे सकते हैं ये। तो ये फाइव प्लेयर आपको मस्ट हैव पिक है। आप अगर रिक्स लेना चाहते हो तो डिफेंडर ड्रॉप करके लुडी सेन हवर्टेस ले सकते हो, अगर आपको रिक्स नहीं लेना है तो डिफेंडर्स में जा सकते हो, तो ये चीज़ है। सो अब बात कर लेते हैं मेरी एक्सपेक्टेशन, 2-0 जर्मनी विन। लास्ट मैच में नॉर्थ मैसिडोनिया ने विन किया था 2-1 से, मुझे लगता है इस मैच में 2-0 हो सकते हैं, इस टाइप ऑफ मेरी थिंकिंग है। अगर आपको लगता है नॉर्थ मैसिडोनिया एक गोल करेगा तो उस टाइप ऑफ एक मैं टीम बनाया हूँ, वो आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा। अगर आपको लगता है क्लीनशीट रखेगा तो आप उस टाइप ऑफ टीम बना सकते हो, 2-0 मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब मेरी फैंटेसी टीम दिखा देता हूँ, तो ये मैं टीम क्रिएट किया हूँ, 2-1 गोल होगा तो ये टीम बहुत अच्छा काम करेगा, क्लीनशीट नहीं होगा तो सिर्फ मैं हॉपमैन को पिकअप किया हुआ, सारे अटैकर्स को मैं इस टीम में रखा हूँ, इवन काई हवर्टेस के प्लेस पे आप एक्स्ट्रा डिफेंडर जैसे रूडीगर निकोला सूल में से किसी एक को ले सकते हो, ये चेंज आप कर सकते हो। कैप्टेंसी में गनावेरी दिया हुआ, वाइस कैप्टेंसी थॉमस मुलर, चॉइस की बात करूँ तो किमिक लुडिसन गोटेच का अच्छा चॉइस है, और एक और टीम है जो थोड़ा क्लीन शीट प्रेफरेबल है, तो ये मैं क्लीन शीट के अकॉर्डिंग बनाया हूँ। अगर आपको फुल क्लीन शीट लेना है, केहरार को पिक करना है, तो गोटेस का ड्रॉप करके केहरार ले सकते हो। कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी सेम गोनाबेरी मुलर, लेकिन एक रिक्स से मैं यहाँ पे लोडी सेन को लेना चाहता हूँ। अगर वो लेना है, आइदर रूडीगर आइदर निकोला सूल एक ड्रॉप करो और आप यहाँ पे पिक करो लोडी सेन को, वो सेफ टीम बन जाएगा। तो ये मैं दो टीम अभी आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन देखो लाइनअप मैटर करेगा फाइनल टीम के लिए, तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा आफ्टर लाइनअप, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट चेक करो, मतलब पहला कमेंट वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो फर्दर अपडेट्स फाइनल टीम के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, ये आपको इन्फॉर्मेशन और जो भी मैं आपको बताया हूँ ये आप सही से देखोगे तो खुद की टीम डेफिनेटली अच्छे तरीके से आप क्रिएट कर सकोगे, और यही मैं चाहता हूँ आप खुद की टीम क्रिएट करो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, पास वाला बेल आइकन प्रेस करते हुए, और एक लाइक कर लेना, लाइक से मोटिवेशन मिलते हैं, और इतना ही शेयर भी कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कॉमेंट पर मिल जाएगा, वहाँ पर ही आपको फर्दर अपडेट्स और फाइनल टीम मिलेगा आफ्टर लाइनअप। थैंक यू।